बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब पूर्णिया पुलिस ने 23/12/2021 को एक कंटेनर लूट कांड मामले में 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि 23/12/2021 को कंटेनर को अपराधियों ने लूट लिया था और उसमें जितने भी सामान थे उसको लूट कर गैस पाइपलाइन के पास छिपाया था। ये वैसा की घटना है जहां पे अपराधकर्मियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और पुलिस अधीक्षक जो दयाशंकर है उन्होंने एक टीम को गठित किया था और टीम आज 4 अपराधियों को गिरफ्तार करती और 8 से 9 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी की है। सारे सामान को बरामद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं पूर्णिया पुलिस ने जिस तरह से ये रिकवरी किया है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि अपराधियों पे नकेल कसने की तैयारी पूर्णिया पुलिस के अधीक्षक जो है वो शुरू कर दिए हैं। पूरे कंटेनर के सामान को बरामद किया है और सारे जो अपराधकर्मी है वो जलालगढ़ पूर्णिया जिला का जलालगढ़ एक सीमा थाना क्षेत्र है वहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है और जितने भी अपराधकर्मी हैं उस सबको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक छापेमारी कर रही है। ये मामला वैसा में है जहां कंटेनर के से अपराधकर्मियों ने उनके ड्राइवर और कंडक्टर को क्या करता है बंधक बना लिया था। बंधक बना के उस गाड़ी को कहीं ना कहीं लेके दूसरे जगह जाके पूरे सामान को खाली करवाया था फिर ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़ दिया गया था। उसके बाद पुलिस पूरे एक्शन में आती है और इन अपराधियों पे नकेल कसने की तैयारी की जाती है और पूरी टीम बनाई जाती है पुलिस अधीक्षक के द्वारा और उस टीम के माध्यम से इस घटना में जो भी शामिल अपराधी हैं उसको कहीं ना कहीं धर दबोचा जाता है और उन सामान को रिकवरी किया जाता है बेसा थाना क्षेत्र के जहां पे गैस पाइपलाइन है वहां से रिकवरी की जाती है और पूरे मामले पे कहीं ना कहीं पूर्णिया पुलिस अब एक्टिव नजर आती है। हालांकि अपराधियों का मनोबल जिस तरह से पूर्णिया में बढ़ता गया है दिन दहाड़े गोलियां चल रही है घटनाएं घट रही हैं हत्या कर दी जा रही हैं उस पर कहीं ना कहीं पूर्णिया के वासी जिस तरह से चिंतित हैं वहीं पूर्णिया पुलिस ने एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं कि कंटेनर लूटकांड मामले में जो पिछले दिनों इसी महीने के दिसंबर में हुआ था उसमें से 4 अपराधियों को जलालगढ़ से पकड़ा है और उन पे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस पूरे मामले में जो भी अपराधी शामिल हैं उसकी भी धरपकड़ करने के लिए पुलिस पूरे मार रही है। देखिए एक खबर। पूर्णिया में 23 दिसंबर को एक कंटेनर को अपराधियों ने बैसा के पास लूट लिया था। एसपी दयाशंकर ने पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाई जिसमें कई थाने के थानेदार के साथ सिपाही शामिल थे। पुलिस ने पूरे मामले में शामिल 7 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की जिसमें जलालगढ़ थाने में 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर सघन पूछताछ की तो पूरा मामला पुलिस को समझ में आया और लूटे गए सारे सामान की बरामदगी पुलिस ने की। 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही इस घटना में शामिल अन्य 8 से 9 अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। बताते चलें कि जिस तरह अपराधियों ने पूर्णिया में लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उससे आम व्यक्ति और व्यापारियों में दहशत का माहौल है। लेकिन एसपी दयाशंकर ने पुलिस को सभी मामलों में निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द वैसे अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। कह सकते हैं इस लूटकांड की गुत्थी पुलिस ने तो सुलझा लिया है लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस को तत्पर रहने की आवश्यकता है।